प्रतिभा तो है किंतु दंडता भी उतनी ही है। क्या तुम अपनी पराजय स्वीकार करते हो? लवकुश, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी भी समय है तुम्हारे पास। हट छोड़ो और आत्मसमर्पण कर दो। प्रभु बड़े दयालु है, एक क्षण में सब कुछ भूलकर तुम्हें क्षमा कर देंगे। इन उद्दंड बालकों के सामने विनती मत करो हनुमान। तुम जैसे महाबली को विनती करते हुए देख मुझे दुख हो रहा है। हाँ हनुमान जी, हमें भी अत्यंत दुख होता है, विशेषकर इसीलिए क्योंकि हम आपकी विनती नहीं मानेंगे, हम अपनी पराजय नहीं स्वीकारेंगे। देख ली इनकी हट की पराकाष्ठा। जाओ, जाकर अपने लिए नए धनुष बाण ले आओ, क्योंकि मैं निशस्त्रों पर प्रहार नहीं करता। हमारे सारे बाण और अस्त्र समाप्त हो गए। ये हमारा अंत है भैया। हे भगवान वाल्मीकि, एक माँ की विनती सुनिए। मेरे परिवार को नष्ट होने से अब आप ही बचा सकते हैं। माँ, हमें आशीर्वाद दे, हमें क्षमा कीजिए। रुक जाइए राजा राम।
गुरुवर। ये आप क्या करने जा रहे थे राजा राम? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था गुरुवर, किंतु इनकी उद्दंडता ने मुझे विवश किया। मेरी अनेक चेतावनियों के पश्चात भी ये सावधान नहीं हुए, अपने हट पर अड़े रहे। ये तो अबोध बालक हैं, किंतु आप तो करुणापति हैं, सहनशील हैं। आपने तो बड़ी से बड़ी कठिनाई में संयम का परिचय दिया है, फिर आज ये क्रोध क्यों? गुरुवर, मैंने इन्हें समझाने का भरसक प्रयत्न किया। कैसे? यदि आपने इन्हें चेतावनी दी थी तो इन्होंने भी आपको अनेकों बार संदेशा भेजा था। ये यज्ञ का अश्व इन्होंने इसलिए पकड़ा है कि वो केवल आपसे भेंट करना चाहते थे, युद्ध नहीं। वार्ता के इच्छुक थे ये दोनों, किंतु आप आए क्यों नहीं? और जब आए तो शब्दों के स्थान पर शस्त्रों का प्रयोग क्यों किया? ये भी आपकी प्रजा है राम, आपकी निष्पक्षता, और रामराज ने इन्हें प्रेरित किया, इन्हें यह विश्वास दिलाया कि इनके अनुरोध पर इनके राजा राम इनसे अवश्य मिलेंगे। हाँ महाराज, हमारा उद्देश्य युद्ध नहीं संवाद था। हमारे मन में आपके प्रति अपार श्रद्धा और स्नेह है। श्री आपका कथन सत्य है गुरुवर, दोष इनमें नहीं मुझमें है। मैं यहां एक राजा की भांति नहीं, एक योद्धा की भांति आया था। तुम्हें राम से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे ना? ये रहे तुम्हारे राजा राम, पूछ लो जो पूछना चाहते हो। महाराज, हमें ज्ञात है कि आप एक महान शासक हैं, आज्ञाकारी पुत्र हैं और स्नेही भ्राता हैं। किंतु आप एक पति भी हैं, देवी सीता के पति। क्या आपने कभी उनसे सच्चा प्रेम किया है महाराज? यदि किया है तो हमें उसका प्रमाण दीजिए। क्या तुम दोनों मुझसे यही प्रश्न पूछना चाहते थे कि मैं सीता से प्रेम करता हूं या नहीं? क्या यही वो प्रश्न है जिसके कारण तुम दोनों इस युद्ध भूमि तक पहुंच गए? लगभग अपने मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे तुम दोनों। जी महाराज, हमें यही जानना है। किंतु क्यों, इससे तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध है महाराज, आप हमारे राजा हैं, आपके प्रति हमारे मन में अपार श्रद्धा है, और हम जानना चाहते हैं कि हमारे राजा ने ऐसा अनुचित निर्णय क्यों लिया। क्योंकि यदि आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उन्हें वन में अकेला छोड़ स्वयं महल के सुख कैसे भोग सकते हैं? हम कैसे मान ले कि आपका यह प्रेम सच्चा है, परिशुद्ध है? अयोध्या को अपने वर्चस्व की स्थापना करने से पहले
अभी तो अपने गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। क्या सृष्टि में संतुलन बैठाने के लिए अश्व में यज्ञ करने से पहले अपने परिवार का संतुलन स्थापित नहीं करना चाहिए? उस अन्याय को न्याय से संतुलित नहीं करना चाहिए जो देवी सीता के साथ हुआ? सीता के प्रति अपने प्रेम को किसी के समक्ष प्रमाणित करने के लिए मैं बाध्य नहीं। सीता मेरे लिए क्या है वो स्वयं सीता जानती है, किसी और को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, यदि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहते तो हम भी एक बात स्पष्ट कर दे कि हम भी इस अश्व को मुक्त नहीं करेंगे। अब आप हमारा वध करके ही इस अश्व को ले जा सकते हैं। गुरुवर, आप समझाइए ना इन्हें। ये राजा और प्रजा के मध्य की बात है। नियमानुसार राजा प्रजा के प्रश्नों के उत्तर देने को बाध्य होता है, अन्यथा इन्होंने आपके सामने विकल्प तो रखा ही है। अब आगे आपका निर्णय है। यदि मैंने एक क्षण के लिए भी सीता पर संदेह किया, यदि मैं एक क्षण के लिए भी सीता को भूला हूं, यदि मैंने कोई भी सुख सीता के बिना भोगा है, यदि मेरा प्रेम कलंकित है, तो यह ब्रह्मास्त्र मेरा अंत कर दे। इसी क्षण मुझे ध्वस्त कर दे। अरे श्री राम, यदि आपका प्रेम परिशुद्ध है तो ये दूरी क्यों, आप उन्हें बुला क्यों नहीं लेते? क्या राजधर्म
सच्चे प्रेम से भी बड़ा होता है। हाँ होता है। इस मुकुट पर केवल स्वर्ण और रत्न का नहीं, कर्तव्य और धर्म का भार है, और मैंने भी अपने कर्तव्यों से विमुख होने का प्रयत्न किया था, किंतु तुम्हारी महारानी मेरी सीता ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। अवश्य हूं। जब विवाह के पश्चात बंधन में बंधने वाले पति और पत्नी के मध्य समानता का अधिकार होगा और सम्मान होगा, उस दिन राम सिया एक होंगे। हमसे आपको समझने में भूल हुई श्री राम, हमने आपको स्वार्थी समझा, जबकि आप और देवी सीता निस्वार्थ भाव से पूरी मानवता के उत्थान के लिए एक दूसरे से अलग हुए। संसार के हित के लिए आपने इस विरह वेदना को स्वीकारा, हमें क्षमा कर दीजिए श्री राम। करुणा के सागर भगवान वाल्मीकि, मेरे परिजनों की मूर्छा समाप्त कर मुझे कृतज्ञ करें। मैं आपसे विनती करता हूं गुरुवर कि अब आप इनकी भी मूर्छा भंग करें। आशीर्वाद और भगवान वाल्मीकि के प्रशिक्षण से हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। श्री राम हमसे मिले और हमारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इनके प्रश्नों का उत्तर तो इन्हें मिल गया भगवान, परंतु हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, जो वनदेवी लवकुश के पांव में पड़े छाले को देखकर व्यतीत हो जाती थी, आज वो लवकुश को अमोक बाणों के बीच देखकर भी मौन रही। वनदेवी, आप हम सबके लिए ममता के आदर्श हैं, परंतु आज जो आपने किया उससे कई प्रश्न उठ रहे हैं। कुछ तो बात है जो आपने हम सबसे छुपाई, और अवश्य उसका संबंध इस युद्ध से जुड़ा है। बताइए वनदेवी, क्या रहस्य था आपके मौन रहने का? उत्तर दो पुत्री। प्रश्न जब आरोप बनने लगे
तो उत्तर देना अति आवश्यक हो जाता है। समय आ गया है न केवल इन सब के बल्कि लवकुश के मन में उठ रहे प्रश्न भी शांत हो। कैसा सत्य भगवान वाल्मीकि? सत्य तो ज्ञात हो चुका है हमें, श्री राम ने हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। केवल उन प्रश्नों के उत्तर जो तुम उनसे जानना चाहते थे, किंतु एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे देना है, जो आज तक मैं टालती आई हूं, जिसका उत्तर मिलना अभी भी शेष है। प्रश्न, तुम्हारे पिता कौन है, कि तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है? आज आप हमें बताएंगे कि हमारे पिताश्री कौन है? बताइए माँ, कहाँ है हमारे पिता? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? तुम उनसे मिल चुके हो, और उनसे अंतिम भेंट कुछ क्षण पूर्व ही हुई है। अब और कौतूहल ना बढ़ाइए माँ, बताइए कौन है हमारे पिता? तुम्हारे पिता है सियावती श्री राम। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.